हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेबल्स। आज हम बात करेंगे टाइम टेबल के बारे में। हाँ, मैं जानता हूँ थोड़ी सी लेट हो गई मुझे ये वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरे बार्बर ने मेरे बाल थोड़े से ज़्यादा काट दिए, तो मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी आपके सामने आने में। एनीवे, आज हम बात करेंगे टाइम टेबल के बारे में। टाइम टेबल के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ दूसरी बातें करना चाहता हूँ। जैसे कि अब तक जो मेरे वीडियोस पे जो कमेंट्स आए हैं, जो मैसेजेस आए हैं, कुछ सजेशंस हैं, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छे कमेंट्स दिए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा वो आपके कमेंट्स पढ़कर। कुछ कमेंट्स थोड़े से यहाँ वहाँ के हैं, लेकिन डजेंट मैटर। ज़्यादातर कमेंट्स है कि मैं मैथ्स और साइंस जो दो वीडियोस हम लोग ने अपलोड किए हैं वो हिंदी में क्यों नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहले हमारा प्लान था कि हिंदी में सिखाएं, लेकिन फिर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उन्हें हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मराठी स्टूडेंट्स हैं कुछ जो एसएससी का पोर्शन लेते हैं और सेमी इंग्लिश में है, तो उन्हें हिंदी समझ में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो लोग कहते हैं कि मराठी में कीजिए। अब मराठी और हिंदी ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, मतलब दोनों लैंग्वेज में मैं नहीं कर सकता हूँ। हालांकि मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ये सब्जेक्ट्स में नहीं ले सकता। सबसे पहले कमेंट्स के बारे में बात करेंगे, सजेशंस जो है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सजेशंस बहुत सारे आए कि हम ये हिंदी टू इंग्लिश एंड मराठी टू इंग्लिश सिखाएं। अभी हम इंग्लिश टू इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो हिंदी टू इंग्लिश एंड मराठी टू इंग्लिश, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो बहुत अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग मदर टंग्स उनकी अलग अलग है, तो उन्होंने वो उन्हें समझने में कोई दिक्कत आ सकती है अगर मैं मराठी में कहूँ या हिंदी में कहूँ। तो इसीलिए अगर ये इंग्लिश मीडियम है तो मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश ही रखा है उसको। दूसरा एक सजेशन या फिर एक्यूज़ है मुझ पर कि मैं साइंस पढ़ाते समय जो फिगर्स है उन्हें मैंने ठीक से नहीं निकाला। सी, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, और जो फिगर्स मैंने निकाले हैं यहाँ मैं आपको ड्राइंग नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, फिगर्स मुझे पता है कि इतने तो अच्छे हैं कि आपको समझ में आ जाए। आपको जब मेरा सजेशन ऐसा है कि जब आप पेपर में भी आप जब फिगर्स निकालोगे तब याद रखिए वो ड्राइंग का एग्ज़ाम नहीं है, आप साइंस का एग्ज़ाम दे रहे हो। ब्यूटीफुल फिगर एंड नॉर्मल फिगर जो समझ में आती है उससे आपके मार्क्स में कुछ कम ज़्यादा होने वाला नहीं है। अगर आप सब पॉइंट्स सही वो फिगर में लेते हो तो आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने आप ब्यूटीफुल फिगर निकाल के जितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो मैं मानता हूँ कि मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इन ज्योमेट्री ऑल्सो वाइल सर्कल चैप्टर कभी कभी मैंने बहुत फास्ट हाथों से सर्कल निकाले हैं जो थोड़े से अंडे जैसे लग रहे हैं, लेकिन वहाँ भी मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। और एक कमेंट्स एक ने मुझे पूछा था कि सर क्या आप डाइजेस्ट यूज़ कर रहे हो। हाँ ऑफ कोर्स, मैं डाइजेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये एग्ज़ाम नहीं देनी। अलजेब्रा और ज्योमेट्री के मिलकर 3000 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं पहले बैठ के वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, उसके आंसर्स निकालूँ और फिर आपको बताऊँ कि आंसर्स क्या है, या फिर चेक करूँ क्या मैंने बराबर सॉल्व किया है कि नहीं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई ऑलवेज से द डाइजेस्ट आर फॉर टीचर्स एंड नॉट फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए डाइजेस्ट नहीं है, वो टीचर्स के लिए है। अभी स्टूडेंट्स गलती से उसे यूज कर रहे हैं कंटिन्यूसली, आई एम टोटली अगेंस्ट इट। तो डाइजेस्ट में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार बुक के पीछे जो आंसर्स दिए रहते हैं एक्सरसाइज के, उसके आंसर्स गलत होते हैं। तो मैं हमेशा टेस्ट करता हूँ कि बुक का आंसर और डाइजेस्ट का आंसर सेम है, अगर सेम है तो ओके, अगर नहीं है तो फिर मैं उसे खुद सॉल्व करता हूँ और चेक करता हूँ कि एक्चुअली आंसर क्या है। तो इसलिए डाइजेस्ट तो यूज़ करना ही पड़ेगा, मैं 3-4 हज़ार सम खुद सॉल्व करके नहीं बैठ सकता, बट आई हैव ट्राई टू टीच ईच एंड एवरी एग्जाम्पल। दूसरी एक कंप्लेंट थी कि कुछ
मेरे दो तीन सम्स के जो आंसर्स है, जो प्रॉब्लम्स के जो कैलकुलेशन जो मैंने बोर्ड पे किए हैं, वो थोड़े गलत है। मतलब एरिथमेटिक्स थोड़ा गलत है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है ना भाई, मैं 3-4 हज़ार प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ, उसमें से एक दो तो हो सकते हैं। मीन आई एडमिट दैट कि कुछ कैलकुलेशन शायद एक दो सम में थोड़ा यहाँ वहाँ हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने ये नोट डाउन किया है वहाँ पे। तो मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप ये बहुत सीरियसली कर रहे हो। अगर आपने ये सीरियसली नहीं किया होता, नहीं देखा होता, तो ये मिस्टेक्स आपको कभी समझ में नहीं आती। बट आई एम वेरी सॉरी कि ये वीडियोज़ मैं फिर से नहीं बना सकता, तो आपको वहीं पे एडजस्ट करने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एडजस्टिंग मी। कई लोगों ने मुझे पूछा है कि क्या आप क्लासेस लेते हैं। सो आई एम वेरी सॉरी, मैं क्लासेस नहीं लेता, या पेबल्स की कोई ट्यूशंस की ब्रांचेस नहीं है। वॉट एवर वी डू, आइदर ऑन DVDs और ऑन ऑनलाइन। सो आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट टेक क्लासेस। टीचिंग इज माई हॉबी और मुझे अच्छा लगता है सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। अब आज के मुद्दे पर, ये मुद्दा मैंने इसलिए लिया, एक्चुअली मुझे लगता है कि आप लोगों ने मेरा ओरिएंटेशन लेक्चर नहीं देखा है, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है। इसी चैनल पर एक ओरिएंटेशन लेक्चर है एंड हाउ टू बिकम टॉपर, ऐसे दो लेक्चर्स है, दो और वीडियोज़ है, उन्हें आप ज़रूर देखिए। उसमें मैंने डिटेल बताया है कि पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। लेकिन 10 मुद्दे थे जिन्हें मैं 10 कमांडमेंट्स कहता हूँ, तो वो 10 के 10 मुद्दे मैंने कवर किए थे। एक चीज़ याद रखिए कि आपकी पढ़ाई अगर कंप्लीट 100% कंप्लीट होती है, तो एग्जाम में टॉप करने के लिए वो काफ़ी नहीं है। देर आर सो मेनी पॉइंट्स यू हैव टू बी नोटेड, बहुत सारे पॉइंट्स, ऐसे 10 पॉइंट्स मैंने ऐसे निकाले हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। हाँ, उसमें ये भी दिखा है कि पेरेंट्स आजकल जो बहुत सीरियस होते हैं बच्चों की पढ़ाई के बारे में, उन्हें क्या करना चाहिए, वो भी मैंने लिया है। तो प्लीज़ आप वो ओरिएंटेशन वीडियोस, ओरिएंटेशन लेक्चर आप ज़रूर देखिए। अब ये स्पेसिफिकली मैं क्यों ले रहा हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि SSC बोर्ड को कम से कम 12 से 14 लाख बच्चे अपियर होते हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ 4-4.5 हज़ार है। तो मुझे लगता है कि आप मेरे वीडियो शेयर नहीं कर रहे, आप अकेले देख रहे हो। हाँ, जब मैं स्टूडेंट था तब मैं भी अगर कोई स्पेशल बुक मिले या स्पेशल पेपर्स मिले तो कभी किसी फ्रेंड्स को बताता नहीं था कि ये करो, मुझे लगता था वो मेरे आगे जाएगा। तो इसलिए हम लोग भी कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते थे 10th और 12th में स्पेसिफिकली। लेकिन आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि मेट्रो सिटी में तो छोड़िए, लेकिन छोटे सिटीज़ में, गांव में जो बच्चे हैं वो भी देख सकेंगे इन्हें और वो भी पढ़ाई कर सकेंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर द वीडियोज़। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो तो मेरा प्लान है कि लैंग्वेजेस एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कि मेरे बहुत ही चहेते सब्जेक्ट्स है, उन्हें मैं पढ़ा सकूं। ये टाइम टेबल मैंने इसलिए लिया है आज कि एक लड़के ने या एक मेरे मित्र ने एक मुझे लिंक भेजी थी जिसने खुद का टाइम टेबल ड्रॉ किया था और उसका फोटो निकाल के अपलोड किया था, वो लिंक मुझे भेजी थी। तो आई डोंट, मैं उसका नाम भूल गया, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि वो टाइम टेबल टोटली रॉन्ग था। रॉन्ग मीन्स, देखिए, जब मैं छोटा बच्चा था और जब मैं स्कूल जाता था, तब मैं उसी तरह से टाइम टेबल बनाता था, सेम टाइम। जिन्होंने वो मुझे लिंक भेजी है, प्लीज़ डोंट माइंड इट, मैं भी आप ही की तरह टाइम टेबल बनाता था। टाइम टेबल कुछ ऐसा था कि सुबह 5:30 बजे, अभी पूरा याद नहीं है मुझे, लेकिन सुबह 5:30 बजे उठना, देन 5:30 to 5:45 ब्रश, देन 5:45 to 6 o'clock सम वॉशरूम्स एंड ऑल दोज थिंग्स, देन 6 o'clock to 6:15 or 6:30 ब्रेकफास्ट एंड नहाना, ये सब बातें ऐसे ऐसे लिखी थी। फिर देन मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट्स, ऐसा बहुत सारा लिखा था। मतलब उन्होंने वो टाइम टेबल टाइम फ्रेम किया था। ओके, लेकिन अब
आपको मैं बता दूं कि जो बाल शिक्षण परिषद नाम की एक संस्था है जो बच्चों के एजुकेशन एंड फन एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन के बारे में रिसर्च करती है। आई एम अ मेंबर ऑफ इट, आई एम अ पार्ट ऑफ इट। और एजुकेशन एंड फन और एजुकेशन एंड हैप्पीनेस, इसके ऊपर मेरे कॉन्फ्रेंस में पेपर पढ़े जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप जिस प्रकार से वो टाइम टेबल, और मुझे आई एम 100% श्योर कि जो टाइम टेबल उसने लिखा है, कम से कम 95% लोगों ने वैसा ही टाइम टेबल लिखा होगा, क्योंकि मैं खुद वैसा ही टाइम टेबल बनाता था जब मैं 10th में था या उससे पहले था स्कूल में। मैं भी वैसे ही टाइम टेबल बनाता था। बाद में जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, पढ़ाई के जो दो तीन मेथड्स मैंने डिफाइन किए, उसके ऊपर से मुझे बाद में पता चला कि जो टाइम टेबल मैं आज तक बनाता आ रहा हूँ वो गलत है। ऐसे पढ़ाई नहीं होती। और मैं आपको प्रॉम्प्टली बता दूं कि मेरी पढ़ाई वैसे टाइम टेबल से इस ज़िंदगी में कभी नहीं हुई। मैं हमेशा हमेशा ऐसे ही टाइम टेबल बनाता था कि 5:30 to 5:45, 5:45 to 6, 6 to 6:30, 6:30 to 7। नहीं, ऐसे टाइम टेबल नहीं बनता है, क्योंकि फिर क्या होता है कि अगर आपका थोड़ा भी टाइम यहाँ वहाँ हो गया ना, तो आपका टाइम टेबल पूरा कोलैप्स हो जाता है। सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ टाइम टेबल। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि टाइम टेबल आपका कैसा होना चाहिए। आज 24 जुलाई है और इट्स नॉट वेरी लेट। आई एम श्योर कि आपने आपकी पढ़ाई अप्रैल में ही शुरू की होगी। सो अप्रैल मई जून 3 महीने तो आपके गए, और जुलाई भी लगभग ख़त्म होने को आया है। सो दिस 4 मंथ्स वॉट एवर यू आर डन, बहुत सारे बच्चों ने वेकेशन क्लासेस लिए होंगे, कुछ लड़कों ने वेकेशन कम रेगुलर बैचेस लिए होंगे, तो मुझे लगता है कि आपके 50% पोर्शन तो आपका हो गया होगा, राइट? तो अब हम देखते हैं कि जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू भी नहीं की, ऐसे भी होते हैं, हम खुद भी वैसे ही थे कि कर लेंगे यार, बाद में करेंगे, अगले महीने से करेंगे, अगले सोमवार से करेंगे, कल से करेंगे। अभी जो कल से अगले सोमवार से जो बोलते हैं हम लोग, वो कभी होता तो नहीं है। तो चलो आज हम ये देखते हैं कि टाइम टेबल हमें कैसा बनाना चाहिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मेजर टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। देर आर टू टाइम टेबल्स, एक तो पढ़ाई का होता है, दूसरा पेपर्स का होता है। ओके तो अगर आपने अप्रैल में पढ़ाई शुरू की हो, तो आपका 30th अक्टूबर, ये डेट जो है, इस डेट को आपकी सारी पढ़ाई पूरी हो जानी चाहिए। यू मस्ट फिनिश ऑल योर पोर्शन टिल 30th अक्टूबर। तो 30th अक्टूबर के बाद क्या करना है? 30th अक्टूबर के बाद सिर्फ रिवीजन और पेपर सॉल्व करने हैं। ओके अब आप कहेंगे सपोज 30th अक्टूबर तक नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो कोई बात नहीं है, टाइम टेबल थोड़ा सा आगे चला जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। तो 30 अक्टूबर तक आपका सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मेरे वीडियोस देखो, आप क्लासेस में जाओ, स्कूल्स में जाओ, ब्रह्मदेव से ट्यूशन ले लो, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपकी पढ़ाई होने वाली नहीं है, फिर टीचर कोई भी हो। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको ऐसा लगता है, इट अगेन डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, ये हर एक के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े फास्ट हो, जल्दी समझ में आपको फटाफट आ रहा है, तो आप क्लासेस स्कूल्स के लिए मत रुकिए, यू गो ऑन विथ योर स्टडीज। आप पढ़ाई में आगे चले जाइए, आप पढ़ते जाइए। अब आपको पढ़ना कैसे है? चैप्टर पढ़िए पूरा, ओके और उसको विजुअलाइज कीजिए, पिक्चराइज कीजिए। मैथ्स छोड़ के, मैथ्स पिक्चराइज नहीं होगा, लेकिन मैथ्स के फॉर्मूलेज और जो थियरम्स है, पोस्टुलेट्स है, वो तो पिक्चराइज हो सकते हैं। बाकी सबको पिक्चराइज कीजिए, खुद एक बार जो नोट्स है आपके लिख के लीजिए, वो चैप्टर हो गया। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए उस चैप्टर पर। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ज़्यादा नहीं आ रही है, तो मैं तो कहता हूँ उसे मार्क करके रख दीजिए और आगे चले जाइए। किसी किसी रुकावट के लिए वहां पे आप स्टक अप मत हो जाइए। डोंट स्टॉप देयर,
कि एक छोटा सा चैप्टर या छोटा सा पॉइंट नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ जब तक ये पता नहीं चलेगा। ऐसे कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग और टीचर्स भी कहते हैं, जब तक ये समझ में नहीं आए तब तक आगे मत जाना। अरे अगर एंड तक समझ में नहीं आया तो मेरी पढ़ाई तो गई पूरी। तो इसलिए डोंट स्टक अप देयर, उसे मार्क करके रखिए और आगे चले जाइए। अगर वो रिलेटेड है तो ही आपको पीछे आना पड़ेगा, रिलेटेड नहीं है तो आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो 30 अक्टूबर तक आपका पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए, एटलीस्ट आपके सारे बुक्स पढ़ के हो जाने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स या साइंस और इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके लिख के हो जाने चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपकी पढ़ाई हो जानी चाहिए। ओके, एक्सरसाइजेस अगर बाकी है तो ठीक है। एनीवे मैं आपको बताता हूं कि आपको पढ़ना कैसे। ओके, अगर आपका लैंग्वेजेस है, ठीक है, तो लैंग्वेजेस में जो आपके लेसन्स है वो पढ़िए। आजकल तो लैंग्वेजेस में ग्रामर ही ज़्यादा होता है। ओके, तो उसे सिर्फ सॉल्व कीजिए। लैंग्वेजेस के लिए लैंग्वेज पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इसके लिए आप वो चैप्टर पढ़ेंगे, उसे पिक्चराइज करेंगे, विजुअलाइज करेंगे उसे। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स अगर नहीं भी पूरे हो गए वो तो आप स्कूल या क्लासेस के साथ में किए तो भी चलेगा। ओके, तो फिर जैसे आपकी 30 अक्टूबर तक पढ़ाई आपकी खत्म हो जाती है उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, अब आपकी एग्ज़ाम जो है जो फेब में होगी या मार्च में होगी, आई थिंक मार्च में होगी एग्ज़ाम, तो आपके पास बचता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुवरी। चलो हम ये मानते हैं कि 4 मंथ्स मीन्स अराउंड 120 डेज आपके पास है। ठीक है, 4 महीने और 120 डेज। अब आपके पास जो टाइम टेबल बनाना है, पहले मैं नेक्स्ट टाइम टेबल बता रहा हूँ, पेपर्स का टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूँ पहले। अब आपको एक टेबल करना है। ओके, आपको लिखना है डेट, पहले डेट लिखनी है, देन यू हैव टू राइट सब्जेक्ट। ओके, अब एक चार्ट बना लीजिए, मतलब एक नोटबुक के ऊपर चार्ट बना लीजिए, यहां से लिखना शुरू कर दीजिए, 1 नवंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। ऐसा आपका आज आ जाएगा कहां तक, फेब एंड तक। ओके, अभी आपको अभी से आपके पास हर सब्जेक्ट के मिनिमम 25 पेपर्स होने चाहिए, मिनिमम। ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, सीटी दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, उन्हें तो मैं कहता हूं कि आपको 100 पेपर्स सॉल्व करने हैं मिनिमम। 12th के लिए भी, 12th के लिए मैं कहता हूं एक 50 पेपर सॉल्व करो, और इसके लिए मैं कहता हूं मिनिमम 25 पेपर सॉल्व करो। अभी क्यों 25 पेपर्स क्यों सॉल्व करने हैं? 25 पेपर्स इसलिए सॉल्व करने हैं कि आपके किताबों में या डाइजेस्ट में या क्लास नोट्स में जहां कहीं भी आपका रेफरेंस मटेरियल हो वहां में, वहां एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो ये 25 पेपर में नहीं है। आफ्टरऑल 25 पेपर्स में ऐसा क्या हो सकता है, सब कुछ तो कवर करना ही पड़ेगा 25 पेपर्स में। तो हमें सबसे पहले ये पेपर्स इकट्ठा करने हैं, ये फिर बैक ईयर्स के पेपर रहेंगे या फिर पिछले साल जो अलग अलग पब्लिकेशंस स्पेसिमेन पेपर्स जो निकालते हैं, 10-10 पेपर का एक सेट होता है, हर सब्जेक्ट के 10 पेपर्स होते हैं और उसके आंसर्स भी होते हैं, तो वो सेट आपको इकट्ठा करने हैं कि हर सब्जेक्ट के 25 पेपर्स। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि आप एक काम कीजिए, आपकी जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके, जितने पेपर्स हैं, नॉट सब्जेक्ट्स, वो लिख लीजिए। मैथ्स है, जो कुछ भी है वो, साइंस है, हिस्ट्री या सोशल साइंस है, वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर द पेपर्स में भी। अब वो पेपर्स के मार्क्स लिख लीजिए। सपोज अब मैं जनरल लिख रहा हूँ, सपोज ये 100 मार्क्स का है, ये 100 मार्क्स का है, सोशल साइंस सपोज मैंने लिखा 50 मार्क्स का है, वो वॉट एवर इट इज़। ठीक है, तो मतलब कैसे हुआ आपका, जो ज़्यादा मार्क्स के पेपर्स है वो आपके बिग पेपर्स हो गए और जो कम मार्क्स के पेपर्स है वो छोटे पेपर्स हो गए।
ठीक है। अब आपको यहां से अभी अक्टूबर में तो आपकी एग्जाम मतलब स्कूल खत्म नहीं होता, ओके, नवंबर दिसंबर में भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको हर दिन अक्टूबर से दो पेपर सॉल्व करने हैं, एक बड़ा एक छोटा, ओके। तो आप पहले क्या कीजिए, आप उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, मतलब सबसे पहले 1 नवंबर का सब्जेक्ट मत लिखिए, 20 अक्टूबर का सब्जेक्ट लिखिए। तो मतलब आपके जब तक सारे पेपर्स खत्म हो रहे तब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समय मिलेगा, मतलब 1 नवंबर को स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, मे बी 15 नवंबर 30 नवंबर को स्टार्ट किया तो भी चलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि टोटली कॉन्ट्रास्ट पेपर्स, मतलब सपोज एक पेपर आपने यहाँ का इंग्लिश का लिया तो यू टेक सेकेंड पेपर एज हिस्ट्री, मतलब एक बड़ा पेपर एक छोटा पेपर। यहां पे अगर आपने मैथ्स का लिया तो यहां लीजिए ज्योग्राफी, इसका कारण यह है कि इसके इसके लिए आपको वक्त कम लगेगा और बड़े पेपर्स के लिए वक्त ज्यादा लगेगा, ठीक है। मतलब जितने सब्जेक्ट से उसे 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी अगर देखा जाए तो मराठी, इंग्लिश, मैथ्स, मैथ्स वन मैथ्स टू, देन आपका आता है साइंस वन साइंस टू, सोशल साइंस, ये सारे पेपर्स। तो आप लिखते जाइए हर दिन दो पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, ओके। अब मैंने कहा 25 पेपर्स सॉल्व करने हैं आपको। अब ये 25 पेपर्स कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं आपको बताता हूं। 25 पेपर्स को हम स्प्लिट करेंगे 10, 10 एंड 5, 10, 10 और 5 में हम उसे स्प्लिट करेंगे। ये जो पहले 10 पेपर्स है वो हमें करने हैं ओपन बुक टेस्ट, ये हमें ओपन बुक करने हैं, ठीक है। ये दूसरे जो करने हैं ये नॉर्मल पेपर्स रहेंगे, नॉर्मल्स रहेंगे लेकिन रेफरल रहेंगे। और ये तीसरे पेपर है, तीसरे 5 पेपर है, दैट विल बी स्ट्रिक्ट पेपर्स। और एक चीज बता दूं, अगर आप 25 की जगह और ज्यादा पेपर्स, मतलब किसी को लगता होगा कि आई एम वीक इन मैथ्स और वीक इन साइंस तो मैं साइंस के पेपर्स कुछ ज्यादा कर लेता हूं, यू कैन डू दैट, आप कर सकते हैं उसे, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है कौन सा स्ट्रांग है उसके ऊपर आप डिसाइड कीजिए। ये जो मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं ये सिर्फ मेरे मन की बात नहीं है, इसका मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और मैं आपको बता दूं जो मेथड्स, जो दो मेथड्स मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, मतलब ये तो एक पेपर्स का मेथड और दूसरी मेथड जो है, जो रैंडम मेथड जो है, रैंडम बुक मेथड है, इन दो मेथड्स की वजह से मैंने ऐसे स्टूडेंट्स चूज किए थे कि जिनको पास होने की भी कोई आशा नहीं थी, 20 से 25 मार्क्स 100 में से मिलने की आशंका थी उन्हें, बट दे गॉट अप टू 70% 75%। और जिन लोगों, जो लोग पहले से ही अच्छे थे 80-85 के आसपास, जो पहले से ही थे, दे क्रॉस्ड 95-97, दे क्रॉस दैट टोटली। दिस इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक एंड दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम यू विल फेस इन फ्यूचर। आप 12th में जाइए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाइए, इंजीनियरिंग में जाइए, क्योंकि मैंने मेरी इंजीनियरिंग की स्टडी भी खुद ऐसे ही की थी एंड आई वॉज अ टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कॉमेंट्स में लिख दीजिए कि मुझे समझ में नहीं आया, आई कैन पर्सनली गाइड यू देयर, ठीक है। तो ओपन बुक का मतलब क्या होगा, अभी आप ये पेपर्स कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास समय रहेगा, अगर शुरू में आप बिजी हो तो एक पेपर सॉल्व कीजिए, ठीक है। आज आपको अगर मैथ्स का पेपर या साइंस वन का पेपर सॉल्व करना है, ठीक है, पहले साइंस वन का पेपर, मतलब जो पढ़ाई है वो आपकी तरह से रिवाइज कर लीजिए, आपका जो मेथड है रिवीजन का उससे कर लीजिए। आफ्टर दैट बुक खुली रखिए, इसको, दिस इज नॉट टाइम बाउंड,
ये पेपर टाइम बाउंड नहीं है, नॉट टाइम बाउंड, दिस इज टाइम बाउंड पेपर एंड दिस इज टाइम बाउंड पेपर। ये तीन पेपर अलग अलग है। जो पहले 10 पेपर है उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, ओपन बुक है, लेकिन डाइजेस्ट नहीं, रेडीमेड नोट्स नहीं, सिर्फ बुक। आप सिर्फ बुक यूज कर सकते हो, बुक खुला रख सकते हो, और ये 10 पेपर आपको सॉल्व करने हैं ओपन बुक। इससे एक चीज हो जाएगी, यू विल बी वेल वर्स्ड विद द बुक, और आपको रैंडमली सॉल्व करने की आदत पड़ जाएगी। उसकी आदत क्यों होनी चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं दूसरी मेथड आपको बताने जा रहा हूं। ओके, तो ये आपको ओपन बुक करने हैं, ठीक है। अब ये अच्छा, ये स्टार्टिंग तो 1 नवंबर से करना है। मैंने भले उल्टा लिखने के लिए कहा था, अगर 15 नवंबर को आपका पहला पेपर है तो 15 नवंबर से आपको ये फर्स्ट 10 पेपर्स आपके जाने चाहिए, ठीक है। अब ये आगे के 10 पेपर क्या है, ये नॉर्मल है, रेफरल है, लेकिन टाइम बाउंड है। पहले 10 पेपर होने के बाद जब आप आगे के 10 पेपर सॉल्व करोगे, एट दैट टाइम आप पेपर का जो टाइमिंग है वो टाइम लगा कर सेट करोगे, पेपर लिखोगे। जो आपको नहीं आता उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए, आपका पेपर टाइम में पूरा होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्हें सब कुछ आता था लेकिन मे बी हैंड राइटिंग स्लो था या रिकलेक्ट फास्ट नहीं होता था, तो उनका पेपर कभी पूरा ही नहीं होता था। लेकिन मुझे पता था कि इसको ये आता है एंड ही कुड राइट इट, लेकिन बोलते सर मेरा पेपर ही पूरा नहीं होता है, मेरा स्लो राइटिंग है, ये है वो, इज हंड्रेड्स ऑफ रीजंस। ओके, तो किसी भी हालत में याद रखिए, आज के बाद जीवन के किसी भी एग्जाम में, किसी भी हालत में आपका पेपर पूरा हो जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो उसके प्रैक्टिस के लिए आप ये आगे के 10 पेपर लिखोगे। अभी एक चीज मैं आपको बताता हूं कि सपोज आपके पास 3 घंटे हैं, 3 आवर्स पेपर, एंड सपोज 90 मार्क्स का पेपर है, सपोज, सो यू हैव 90 मार्क्स, यू हैव 180 मिनट्स। तो फर्स्ट कैलकुलेट हाउ मेनी मिनट्स फॉर 1 मार्क। सो यू हैव 180 अपॉन 90, दैट इज 2 मिनट्स फॉर 2 मिनट्स पर मार्क। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए पेपर के हिसाब से, चार्ट के ऊपर बड़े हैंडराइटिंग में लिख दीजिए, 90 मार्क पेपर 2 मिनट्स पर, 40 मार्क्स पेपर दिस मच टाइम पर मार्क, 60 मार्क्स पेपर दिस मच टाइम, 100 मार्क पेपर दिस मच टाइम। जो आपके पेपर्स के मार्क्स रहेंगे उसके हिसाब से ये पहले कर लो, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल किसी भी पेपर में, वो मैथ्स हो, साइंस हो, लैंग्वेज हो, कोई भी हो, अगर फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज फॉर 3 मार्क्स और सपोज आपका 2 मिनट्स पर मार्क है, तो वो क्वेश्चन एट एनी कॉस्ट 6 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। अगर वो 6 मिनट में सॉल्व नहीं हुआ तो स्पेस छोड़ दो वहां पर और आप आगे निकल जाओ, वहां पे स्पेस छोड़ दो, वो बाद में करेंगे, और आगे निकल जाओ, दूसरा क्वेश्चन शुरू कर दो। उधर आपकी घड़ी, ये भी मैं आपको बोलता हूं कि आपकी घड़ी डिजिटल नहीं होनी चाहिए, डिजिटल में कुछ पता नहीं चलता है क्या हो रहा है। अगर हैंड्स वाली घड़ी रहेगी पुराने स्टाइल की, क्लासिक स्टाइल की, तो आपको इमीडिएटली पता चलता है कि अभी आवर मिनट हैंड जो है वो 1 पे है, तो 10 मिनट खत्म होंगे 3 पे जाने तक, तो वो आप कंटिन्यूस देखते रहेंगे। तो डोंट यूज दैट डिजिटल वॉच, बिकॉज ये मैं आपको सब क्यों बता रहा हूं, ये सिर्फ 10th के लिए नहीं है, ये 10th के आगे आने वाले हर एग्जाम के लिए है। दिस मेथड इज वैलिड फॉर एवरी एग्जाम इन योर लाइफ। ओके, तो मतलब क्या होगा, अगर 6 मिनट का टाइम है, 3 मार्क्स है और आपका 2 मिनट में ही हो गया, तो आपके पास 4 मिनट बच गए। ऐसे ही हर क्वेश्चन में एक एक दो दो, एक एक दो दो मिनट अगर आप बचाते गए या बच गए, तो मतलब आप जहां पे कभी स्टक हो जाएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लंबे क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा होता है कि अननेसेसरी लेंदी क्वेश्चन आर देयर, आंसर्स आर देयर, बट द मार्क्स आर वेरी लेस, तो वहां पे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। देन जैसा आपका पेपर खत्म हो जाए, सपोज ऐसे भी, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको आए ही नहीं, मतलब यू डोंट नो एट ऑल,
तो उनको मार्क करके रखो, पेपर खत्म होने के बाद वो क्वेश्चंस रिफर करो आपके नोट्स में, बुक्स में, डाइजेस्ट में, जहां कहीं भी हो रिफर करो, बाय हार्ट करो या फिर पढ़ो उसको और इमीडिएटली वो पेपर में बाद में लिख दो, टाइम खत्म होने के बाद लिख दो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लेना है कि जिसे हमें छोड़ना है। वन मोर थिंग, नो ऑप्शंस। ये सारे पेपर्स जो है वो 100% सॉल्व करने हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे अगर मैं 100% सॉल्व करता बैठा तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा कि वक्त पे पेपर ख़त्म नहीं होगा। फाइन, नो प्रॉब्लम, विदाउट ऑप्शंस आप जनरल पेपर सॉल्व कर लो और टाइम खत्म होने के बाद जो ऑप्शन आपने छोड़ा है उसको सॉल्व कर दो, लेकिन पेपर पूरा सॉल्व करना है हमें। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज टाइम है ही नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे वो आप टाइम खत्म होने के बाद पढ़ेंगे वापस और उसे लिखेंगे, और जो ऑप्शंस जो छोड़े हैं उसे भी लिखेंगे। ठीक है, अब ये लास्ट 5 पेपर्स जो है वो आप स्ट्रिक्टली लिखोगे विदाउट रेफरिंग एनी बुक्स, कुछ नहीं, बहुत ही स्ट्रिक्टली ये पेपर्स लिखोगे आप। और ये 5 पेपर आप जब लिखोगे तब पहला पेपर आप टीवी ऑन करके उसके सामने लिखोगे, दूसरा पेपर मोबाइल के गाने लगा के लिखोगे, तीसरा पेपर जो है वो ऐसे ही कोई एक्टिविटी जहाँ पे आपका शांति नहीं हो ऐसे ही जगह पे करके लिखना है, चौथा पेपर आपका रहेगा जो आपका एग्जाम का पैड है, रेगुलर टेबल है, उसके ऊपर नहीं बैठना है। दैट मीन्स हर पेपर के लिए आपके कंडीशंस चेंज होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो फॉर एग्जाम्पल अभी 2 साल पहले उनका जहाँ पे सेंटर आया था उसके बाजू में शादी का हॉल था, और जैसे ही उनका पेपर चालू हो गया 15 मिनट के बाद वहाँ पे जोर जोर से गाने बजने लगे और वो लोग इतने डिस्टर्ब हो गए कि उनके पेपर की तो वाट लग गई। तो यू शुड बी हैबिचुअल टू ईच एंड एवरी कंडीशन। मैं खुद के बारे में आपको बताता हूँ, 10th का पेपर जब भी था तभी रोटेट होता था, नंबर्स रोटेट होते थे, तब एक दिन मुझे बेंच आया जिसमें बहुत सारे छेद थे और मेरे पास पैड नहीं था उस दिन, मैं भूल गया था या आई डोंट नो, कुछ तो हुआ था और बहुत प्रॉब्लम हुआ था मुझे। तो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द ईच एंड एवरी कंडीशन, अनसीन कंडीशन जो आपको पता भी नहीं है कि आपके लाइफ में आ सकती है। एनीवे, ये 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे के सारे एग्जाम्स के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी ये आपके 10, 10 और 5 पेपर्स हो गए। अभी अगर आप पेपर लिख रहे हो तो कोई ना कोई चेक तो जरूर करेगा, आपके स्कूल के टीचर्स को बता दीजिए, या क्लासेस में तो कोई करेगा नहीं चेक क्योंकि उनके खुद के पेपर्स बहुत होते हैं, स्कूल में भी बहुत मुश्किल है, तो आप आपके बड़ा भाई बड़ी बहन होगी या मॉम डैड, मॉम्स अपनी माँ को बोलिए, माएँ बहुत सीरियस होती है 10th के एग्ज़ाम के बारे में, छुट्टियाँ बिट्टियाँ लेके घर पे बैठती है और बच्चों को टॉर्चर करती रहती है, तो आप आपकी माँ को बिठा सकते हो पेपर चेक करने के लिए। लेकिन अब आपको पासिंग परसेंटेज तय करने हैं। मैं सिर्फ 100 मार्क्स के बारे में बताता हूँ, कंपैरेटिवली आप देख लीजिए। फॉर ये एग्ज़ाम आपका पासिंग परसेंटेज रहेगा 90%। 90% आपका पासिंग है, 90 के 100 में से 90 से नीचे मार्क मिल गए तो मम्मी को बोल देना रेड लाइन से फेल लिख दो सीधा। ओके, यहां ये जो एग्जाम है यहां भी आपका पासिंग परसेंटेज रहेगा 90%, और इस एग्जाम को आपका पासिंग परसेंटेज रहेगा 95%। अब तो आप मुझे पक्का पागल बोलेंगे, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि दिस इज फॉर द साइकोलॉजिकल इफेक्ट। पता है, अगर मैंने आपको कहा कि सपोज आपके किसी फ्रेंड के पास आपको जाना है, 4th फ्लोर पर रहता है वो और लिफ्ट नहीं है, तो 3rd मंजिल तक आप जब तक आओगे तब आपके पैर दर्द करने लगेंगे, आप बोलेंगे अरे आ गया क्या, बहुत ऊपर है यार। अगर वो फ्रेंड 6th फ्लोर पे रह रहा है और लिफ्ट बंद है तो 5th फ्लोर तक आप थक जाओगे। इसका मतलब ये है
आपका टारगेट आप जितना ऊंचा रखोगे, कम से कम 80% हो, आपका शरीर साथ देगा ही आपको, उसके बाद आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये परसेंटेज अपना लेवल इतना हाई रख रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी 35, जब नॉर्मल स्टूडेंट्स रहते हैं, जब 35 में पासिंग होता है, तो जो स्टूडेंट्स मतलब कोई पढ़ाई नहीं करते, कुछ नहीं करते, उनको उन्हें कुछ नहीं आता है, उन्हें 35 से थोड़ा ऊपर 37 38 तो मिलते हैं। अभी ऐसे ही स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में भी थे, लेकिन वहाँ पे पासिंग था 40, तो ऐसे स्टूडेंट्स को 42 44 ऐसे मार्क्स मिलते थे। एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के लिए पासिंग परसेंटेज था 50%, तो वहाँ स्टूडेंट्स को मिलते थे 55 54 ऐसे मिलते थे। कैसे? इसका मतलब है इट मेक्स द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन योर माइंड। तो अगर भले पहले 10 पेपर में आपको परसेंटेज आएंगे, पहले पेपर में आपको 90% नहीं आएंगे, ओके, लेकिन उसके बाद आप ट्राई करेंगे उसे अचीव करने के लिए, क्योंकि ये जो फेल लिखा हुआ रहता है वो किसी को पसंद नहीं होता, ठीक है। अब ये तो हो गई मार्क्स की बात कि कितना पासिंग परसेंटेज है। सेकेंड थिंग इज चेक कैसे करना है पेपर को, पेपर को अपनी माँ को या जो भी कोई चेक करने वाला होगा उसे बोलना है कि ये पेपर दो बार चेक करो। सबसे पहला चेकिंग आपका होगा रेड पेन से, जो नॉर्मल चेकिंग होता है, आंसर्स राइट है या रॉन्ग है कुछ भी। जब एक बार ख़त्म हो जाए मार्क्स लिख लेना 100 में से कितने मिले, उसके बाद ग्रीन पेन उठाना और ग्रीन पेन से आपको चेक करना है हैंड राइटिंग समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिजिट्स लिखते वक्त कुछ भी लिखते हैं, कैसा भी दिखता है उनका डिजिट, तो अगर समझ में नहीं आया एक मार्क काट दो, मार्जिन के बाहर गया एक मार्क काट दो, मैथ्स में करते समय इक्वल टू और अंडर इक्वल टू नहीं आया एक मार्क काट दो, कहीं गंदा किया है मार्क काट दो। मतलब उनको बोलो जितने मार्क्स आप काट सको उतने सारे मार्क्स काटो। मेरे यहाँ मैंने कुछ स्टूडेंट्स एज ए एक्सपेरिमेंटल जब लिए थे, तभी मैं तो 90% में से उन्हें 10-15 मार्क्स ही देता था, हालांकि पूरा पेपर बराबर है उनका, एवरीथिंग इज राइट, स्टिल आई यूज टू कट सो मच ऑफ द मार्क। शुरू में फर्स्ट दो पेपर के बाद तो बच्चे रोने लगते थे, ये क्या है, हमें सब कुछ आता है, सब कुछ लिखा है, फिर भी आपने 100 में से सिर्फ 15 मार्क दिए, 20 मार्क दिए, किसी किसी को तो माइनस में मार्क्स चले जाते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे आगे पेपर चले गए, तब जो गलती उन्होंने, जिसके लिए मैंने मार्क्स काटे थे, वो गलतियां करना उन्होंने बंद कर दिया। और जब भी एग्जाम के नज़दीक 10-15 दिन से पहले उन्हें 90-95 आराम से मिलने लगे, और मैं ऐसे ऐसे मार्क्स काटता था कि जो कभी किसी एग्जाम में काटते नहीं है, ना तो मॉडरेटर कांपता है ना तो एग्जामिनर कांपता है। तो स्ट्रिक्ट चेकिंग हैज टू बी देयर। इवन अगर हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो काट दो मार्क, अगर नहीं बिल्कुल हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रहा है जीरो मार्क दे दो सीधा वहां पे। ऐसे मार्क्स काटने हर एक पेपर में। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द 25 पेपर्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट और ईच एंड एवरी पेपर। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरा चैलेंज है ये कि 25 पेपर मेरे हाथ में है, आप डाइजेस्ट लो, बुक लो, और कोई एक्सरसाइज बुक्स ले लो, क्लास के नोट्स लो, क्लास के पेपर्स लो, जो कुछ भी है वो, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आप मुझे बताओ, ये 25 पेपर्स में होगा, 101% होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता कि जो आपके बुक्स में, डाइजेस्ट में वगैरह है और क्वेश्चन पेपर में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये सारा का सारा आपका पोर्शन फिर से कर रहे हैं। दूसरी चीज आप ये यहां पे कर रहे हैं, यू आर स्टडिंग रैंडमली, क्योंकि इसके बाद में दूसरा टेक्निक जो बताने जा रहा हूं वो टेक्निक सबके बस की बात नहीं है, उसके लिए बहुत सीरियसनेस और बहुत स्टडीनेस चाहिए, एक डेस्परेशन चाहिए, टेम्परामेंट चाहिए उसके लिए, वो स्टाइल से स्टडी करने के लिए। लेकिन जो वो स्टाइल से जितने आज तक जितने लोगों ने, जिन्हें मैंने कंसल्ट किया था, काउंसलिंग किया था या पढ़ाया था, उनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने वो सीरियसली किया और इसको 90% के नीचे मार्क्स मिले, ऐसा एक भी नहीं था इन एवरी सब्जेक्ट। मैं आपको बता दूं कि ये टेक्निक मेरे डैडी ने मुझे सिखाया था, जिसके ऊपर मैंने और थोड़ा सा रिसर्च
R&D करके उसे थोड़ा और परफेक्ट किया, और मैंने मेरी ज़िंदगी में वो कभी नहीं किया, इंजीनियरिंग में किया। तो जैसे मैंने 10th में नहीं किया, 12th में नहीं किया, तभी मुझे मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए थे, मतलब नॉर्मल 85 के आसपास। लेकिन इंजीनियरिंग में मैंने किया, इंजीनियरिंग मैंने टॉप कर दिया बाय सेम मेथड। तो मैंने देखा है, लेकिन उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, ज़बरदस्त मेहनत की ज़बरदस्त तैयारी चाहिए। तो चलिए लेट अस सी कि वो दूसरी मेथड पढ़ाई की क्या है। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके, चलो पढ़ाई की दूसरी मेथड लेते हैं। अरे इसमें माइनर टाइम टेबल तो पीछे रह गया, लेकिन उसे बाद में कवर करेंगे कि डेली टाइम टेबल कैसे बनाना है, उसे बाद में देखते हैं। उससे पहले हम एक दूसरी मेथड देखते हैं, विच आई कॉल एज अ रैंडम मेथड ऑफ स्टडी। जिसे हम कहते हैं रैंडम मेथड। ओके, नाउ दिस मेथड इज यूजफुल, अगेन आई एम टेलिंग यू, फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम। व्हाट इज द रैंडम? रैंडम मतलब क्या? रैंडम का मतलब होता है किसी एक सीरियल ऑर्डर में नहीं हो, उल्टा पुल्टा हो सब। अब आप कहेंगे कि व्हाट दिस मेथड इज। इसके पहले इस मेथड के पीछे जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आप 10th में हो, तो 9th तक तो आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, जब आप रिवीजन करने के लिए बैठते हो, मे बी आपकी मम्मी भाई कोई भी डाइजेस्ट या एक्सपेक्टेड लेके बैठता है और कहता है हाँ बोलो, और आप बोलते जाते हो, तो वो क्या करता है, चैप्टर 1 से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है आपको, और आपको आंसर्स आ जाते हैं, आते हैं। लेकिन आप देखिए कि हमारा जो ब्रेन है, वहाँ पे एक बार एक दरवाज़ा अगर खुल गया तो फिर अंदर का सब बाहर आ जाता है। मतलब जैसे आप किसी चैप्टर का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, दो तीन क्वेश्चन हो गए, तो वो पूरा चैप्टर आपको रिकलेक्ट हो जाता है। ओके, ये एक सिस्टम है ये, बिकॉज दिस इज अ सीरियल ऑर्डर। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि आपकी पूरी पढ़ाई हो चुकी है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है, तो फिर एग्जाम में फुल मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे? एग्जाम में स्टकअप क्यों हो रहे? आप क्यों कहते हो कि पेपर थोड़ा टफ था? बिकॉज आप पढ़ाई और रिवीजन सीरियल मेथड से करते हो, और आपका पेपर रैंडम आता है। पेपर में किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन उल्टा पुल्टा किसी भी ऑर्डर में आता है, और वो करने की आपको बिल्कुल आदत नहीं है। दैट इज वाई आई हैव डिजाइन दिस रैंडम मेथड। लेकिन मैं फिर एक बार बता दूं, ये मेथड सबके लिए नहीं है। ये मेथड सिर्फ उन लोगों के लिए है जो, जिन्हें मैं मेरे स्कूल में पढ़ाकू लड़के बोलता था, बहुत ही सीरियस, 24 घंटा पढ़ते हैं पढ़ते हैं। उतना भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन शुरू में थोड़ा आपको मेहनत लेनी पड़ेगी। नाउ व्हाट इज दिस रैंडम मेथड? रैंडम मेथड में आपको रैंडम बुक पहले रेडी करनी है। रैंडम बुक आपको रेडी करनी है, मतलब एक फुल स्केप नोटबुक साइज की बुक लेनी है, और आपके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, या और भी आपके पास कोई क्वेश्चन सेट्स वगैरह रहेंगे, एक्सरसाइजेस वगैरह, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, सपोज दिस इज योर पेज नंबर 1, तो सपोज ये आपके नोटबुक के पन्ने पेज नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे लाइन में है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चैप्टर 1 क्वेश्चन 1 ये आपको यहां लिखना है। फिर चैप्टर 1 का सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको यहां लिखना है, थर्ड क्वेश्चन यहां, फोर्थ क्वेश्चन यहां, ठीक है? अभी ये जो नंबर्स है वो कैसे डालना है मैं आपको बताता हूं। आपने अगर टेक्स्ट बुक यूज किया है, टेक्स्ट बुक, तो आप लिख लीजिए, मतलब ये एक, इंस्टेड ऑफ दिस 1 यू शुड राइट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, और मे बी 1A, ऐसा आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि एक बार ये सारे चैप्टर्स होने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा, जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आप क्या ढूंढते बैठोगे ये कौन से चैप्टर का कहाँ का क्वेश्चन है। तो आपको अगर वो स्टकअप हो गए आप वहां पर, तो आपको इमिजिएटली क्लू मिलना चाहिए कि ये कौन सा क्वेश्चन है। तो एट दैट टाइम मैं देखूंगा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 और मे बी पेज नंबर 12 से
पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 1A, ये क्वेश्चन है, तो आप इमीडिएटली उसको रिफर करके आंसर देख सकते हो, ठीक है। अगर आपका डाइजेस्ट है तो यहां पे डी कर दो, डाइजेस्ट। क्लास के नोट्स है तो सी कर दो, क्लास। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर्स लिखेंगे, ओके। आप पेजेस पलटते जाइए एंड तक, ठीक है। अभी आपका चैप्टर फर्स्ट खत्म हो गया, नाउ चैप्टर टू। चैप्टर टू का पहला क्वेश्चन इधर, सेकेंड यहां, थर्ड यहां, फोर्थ यहां, एंड सो ऑन। अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये पहले पन्ने पूरे यहां तक भर गए, लेकिन ये पूरे पन्ने भर गए, ये नहीं भरा है, तो ठीक है, यहां जगह नहीं है तो यहां से शुरू करो, नेक्स्ट चैप्टर, प्रॉब्लम वन, प्रॉब्लम टू, एंड सो ऑन। तो एट द एंड जब ये आप सारे चैप्टर्स के सिर्फ या ओनली क्वेश्चंस, नॉट आंसर्स, यू हैव टू राइट ओनली क्वेश्चंस, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आप लिख के हो गए एक सब्जेक्ट के, तो वो सब्जेक्ट की बुक आपके पास ऐसी बन जाएगी कि दैट इज अ रैंडमली क्वेश्चंस है वहां पर, मतलब जैसे आपका एग्जाम का पेपर आता है वैसे ही सारे के सारे क्वेश्चंस नॉन सीरियल ऑर्डर में, रैंडम ऑर्डर में आपके पास रेडी है, ओके। दिस इज कॉल्ड एज अ रैंडम मेथड। अब आप पढ़ाई कैसे करोगे? बहुत बार जैसे मैंने कहा कि कई लोग वैकेशन कम रेगुलर लेते हैं या वैकेशन बैच लेते हैं, और अगर अक्टूबर तक आपकी पढ़ाई अगर पूरी हो ही चुकी है या उससे पहले भी पूरी हो चुकी है, मोस्टली मुझे लगता है कि मैथ्स साइंस जल्दी ख़त्म हो जाते हैं या सोशल साइंस जल्दी ख़त्म हो जाता है, दैट हाउ टू फिनिश दैट दैट विल सी लेटर, ओके। तो आपको क्या करना है, रोज हर एक नोटबुक उठाना है, कभी फ्री टाइम में आपके नोटबुक उठाना है। अगर मैंने आपसे कहा कि चलो ये पूरा चैप्टर का रिवीजन करो तो आप नहीं करोगे, मैंने भी नहीं किया था तो आप भी नहीं करोगे 100%। तो मैं कहता हूँ सिर्फ दो क्वेश्चंस कर लो, ये नोटबुक उठाओ, ये पहला क्वेश्चन मेरा हो गया तो उसके नीचे हर एक क्वेश्चन के नीचे एक लाइन छोड़ दो, गैप छोड़ दो, तो मैं वहां पर एक गोल कर दूंगा वन, या फिर एक टैली मार्क कर दूंगा वन। फिर ये हो गया वन, ये टू, ऐसा करते करते आज के दिन में एंड तक जहां मुझे टाइम मिला यहां पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब मैं बुक खोलूंगा, अच्छा यहां तक हो गया तो ये शुरू किया थ्री, ऐसा मुझे एंड तक जाना है, मतलब ईच एंड एवरी का जब वन वन खत्म हो जाएगा तब मेरा पहला नंबर वापस आएगा, यहां पे होगा टू, फिर इसका टू, फिर इसका टू 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 यहां तक आएगा, फिर ये फिर ये यहां तक लास्ट तक, फिर पीछे आना है मुझे, फिर थ्री फोर फाइव। मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर के मेरे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझे मन में बहुत गालियां दी होगी क्योंकि मैंने उनसे जबरदस्ती ये रैंडम बुक बनवाई थी, लेकिन सिर्फ मैथ्स के लिए थे वो लोग, मैथ्स के लिए मैंने लिया था उनको, तो मैथ्स की रैंडम बुक बनाई और पूरे साल भर में उन्होंने मैथ्स के बुक का हर प्रॉब्लम कम से कम 12 बार सॉल्व किया था, और वो भी हंसते हंसते, मतलब आज दो तीन किए, कल चार पांच किए, संडे है टाइम मिल रहा है, टीवी पिक्चर देख रहे हैं, वो करते करते किया, जब भी फ्री टाइम मिले फटाफट रिवीजन करते गए, तो उन्होंने कम से कम 12 बार हर एक प्रॉब्लम मैथ्स का बुक का उन्होंने सॉल्व किया था, और उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी रिवीजन कैसे हो गई। एंड साइमल्टेनियसली कुछ दूसरे जो मेरे कंसल्टिंग स्टूडेंट्स थे उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स का किया था, ऑल सब्जेक्ट्स, एंड दे गॉट मोर देन 95% मार्क्स। तो दिस इज व्हाट द रैंडम मेथड इज। आपको याद रहिए कि ये आपको एक साथ बैठ के अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन 20-25-30 क्वेश्चन सॉल्व किए, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो बोलते हैं आज हमने 10 पेजेस सॉल्व किए, हो सकता है वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, लेकिन कम से कम दो तो कीजिए, मिनिमम टू या थ्री ऑफ एवरी सब्जेक्ट। अगर आपके पास 7 सब्जेक्ट है तो 15 क्वेश्चंस दिन में सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है रिफर करो ये नंबर से, कोड से रिफर करो और फिर से एक बार करो, रिवाइज करो। सो दिस इज द मेथड। अगर ये सारे बुक्स आपके पास है और अगर आप साल के शुरू से एक अगस्त से इसको यूज कर रहे हो
तो आपकी इतनी बार रिवीजन हो जाएगी, और वो भी रैंडम मेथड से। तो हर बार जब पेपर में अलग-अलग चैप्टर के क्वेश्चंस एक एक के बाद एक आ जाएंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ योर हैबिट, रैंडम मेथड इज़ योर हैबिट। तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि ये मुझे करना है, ठीक है? सो दिस इज द मेथड, व्हाट द रैंडम मेथड इज। अगर इसके बारे में भी कोई आपको शंका हो तो प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिएगा, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, तो चलिए, अभी हमने पेपर्स का टाइम टेबल देख लिया, कैसे टाइम टेबल हमें करना है पेपर्स के लिए, 25 पेपर्स के लिए। रैंडम मेथड क्या है वो देखा हमने, रैंडम मेथड के लिए कितना सॉल्व करना है वो देखा हमने। नाउ लेट अस कम टू द डेली टाइम टेबल, जो मैं मेरे फ्रेंड को बता दूं जिन्होंने मुझे वो लिंक भेजा था, उनका टाइम टेबल भेजा था। डोंट फॉलो द टाइम टेबल, इतना अगर आप घड़ी की सुई पर अगर आप टाइम टेबल लिखोगे तो वो कभी फॉलो नहीं होगा, हार्डली 1-2 दिन के लिए होगा। शायद आपका टाइम टेबल सपोज ऐसा होगा, 5 बजे उठना, 5:30 तक ब्रेकफास्ट, दूध वगैरह और ये सब करके पढ़ाई के लिए बैठने का, 6 बजे तक पढ़ाई, उसके बाद 6 to 6:30 थोड़ा रेस्ट या फिर ब्रेकफास्ट वगैरह। और गलती से क्या होता है, पहले ही दिन आप उठ जाते हो 6 बजे या 5:30 बजे, 5:30 से 6 बजे तक आपका पूरा नहाना वीना हो जाता है, फिर आप टाइम टेबल देखते हो, अरे 6 to 6:30 इज रिलैक्सिंग टाइम, तो आप रिलैक्स कर लेते हो। तो इस तरह से वो टाइम टेबल आपका पूरा बर्बाद हो जाता है। डोंट डू लाइक दैट, ओके? आपको टाइम टेबल इस तरह से करना है कि आपको चैप्टर्स खत्म करने हैं, सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर्स। डोंट मेक अ डेली टाइम टेबल लाइक दैट, ओके? आप चाहिए तो ऐसा कर सकते हैं, टाइम टेबल संडे मंडे ट्यूसडे वगैरह मत कीजिए, यू गो बाय द डेज, नंबर ऑफ डेज। आप नौ, अभी तो ये जुलाई है, 23rd 24 जुलाई है, तो आप 24 जुलाई से करेंगे उसको। अगर आप शुरू से कर रहे हो, सपोज नेक्स्ट ईयर या 12th को आप 1 अप्रैल से अगर आपका पढ़ाई शुरू कर रहे हो, जिस तारीख से आप शुरू करोगे वो तारीख आप लिख दीजिए, जैसे हम लोग ने एग्ज़ाम के लिए बनाया था वैसे ही ये टाइम टेबल बनाएंगे हमें। अप्रैल 1, 1 अप्रैल, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, ऐसे लिखेंगे हम। और फिर दूसरा एक चार्ट हम बनाएंगे जिसमें हम चैप्टर्स लिखेंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्री 1, 2, 3, 4, 5, 6, अलजेब्रा अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे सारे सब्जेक्ट आपको लिखने हैं, साइंस 1, साइंस 2, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सो ऑन। ये क्यों लिखने हैं कि जैसे जैसे आपके चैप्टर्स हो जाते हैं उसको कट कर दो, कि ज्योमेट्री 3 चैप्टर्स आर डन लाइक दिस, ठीक है? ऐसे आपको करना है। और अब आप यहां से शुरू कर दीजिए, डेली का घड़ी के हिसाब से मत कीजिए। यू डू समथिंग दैट आई विल डू द अलजेब्रा चैप्टर 1, ओके? या फिर 2 दिन, आपको अगर लगता है कि चैप्टर 1 बहुत बड़ा है, 2 दिन लगेंगे मुझे, तो 2 दिन लीजिए यहां पर। चैप्टर 1 रोज, आप एक चीज याद रखिए, 2 घंटे से ज्यादा आप किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, कर नहीं सकते आप। दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, सो बेटर नॉट टू स्टडी मोर देन 2 आवर्स एट अ वन गो, ठीक है? आजकल के बच्चों को तो उतना टाइम भी नहीं रहता है, 2 घंटे तो निकाल ही नहीं पाते, क्लासेस, स्कूल्स, ट्रैवलिंग, यहाँ जहाँ आना, खाना पीना सोना, मतलब जस्ट दे कम टू होम जस्ट लाइक हॉस्टल और होटल फॉर जस्ट स्लीपिंग। सो आप हर दिन 2 सब्जेक्ट लोगे, एक सब्जेक्ट अगर बड़ा सब्जेक्ट है तो दूसरा सब्जेक्ट छोटा होना चाहिए, हिस्ट्री चैप्टर 1, समथिंग लाइक दिस। और इस तरह से आप एंड तक जाओगे, हर बार जैसे आपका होता कंप्लीट होता जाएगा इसे काटते जाओगे। क्यों काटना है, विजुअली क्यों चाहिए? तो हमें थोड़ा सुकून मिलता है कि बाबा आधा पोर्शन हो गया, 6 में से 5 चैप्टर हो गए, ये थोड़ा सुकून मिलता है, इसीलिए ये हमें चाहिए।
सो दिस विल बी योर डेली टाइम टेबल. डेली टाइम टेबल संडे मंडे ट्यूसडे, और टाइम से नहीं होगा, ये डेट की वजह से, डेट के हिसाब से होगा. और आप हर एक चैप्टर लिखते जाओगे यहाँ पर. तो यहाँ पे अगर हिस्ट्री चैप्टर छोटा है, अगर वो भी चाहिए, ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर, कभी आप अगर आपका मूड बने कि लैंग्वेज लेना, लैंग्वेज ले लीजिए. और अगर आप एक बात सुन लीजिए, अगर आप डेली रेगुलर पढ़ाई करते हो डे वन से, तो आपको संडे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. कीप वन डे फ्री फॉर योर सेल्फ, डोंट स्टडी एट ऑल इन इन दैट डे. हाँ, अगर आपकी क्लासेस है और क्लासेस के एग्जाम्स है, तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता. अगर आपको करना ही है तो आप भी पेपर सॉल्व कीजिए. सो कीप एटलीस्ट वन डे फ्री, नहीं तो ऐसा हो जाएगा. आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है बहुत बार, मेरे पास स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, उन लड़कों के माँ बाप बोलते हैं, बच्चों के, लड़कियाँ भी होती है, उनके माँ बाप बोलते हैं साल भर उसने पढ़ाई किया, लेकिन जैसे एग्जाम नज़दीक आने लगी इसने पढ़ाई छोड़ दी करना, कुछ नहीं करना है उसको, तो वो एक नौशिया आ जाता है पढ़ाई का. तो कीप योर सेल्फ फ्री, हेल्दी, फिट, हैव अ फन एंड डू स्मार्ट स्टडी. आप ना स्मार्ट स्टडी करोगे, अगर पढ़ाई आप फन एज अ फन करोगे, तो ही वो अच्छी होगी. अगर कोई सर के सर पर आपके कोई एक बड़ा सा पत्थर रख के आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वो कभी कारगर नहीं होगी. सो यू हैव टू मेक योर टाइम टेबल लाइक दिस. टिल 30th ऑफ अक्टूबर, क्योंकि 30th ऑफ अक्टूबर के बाद आपको क्या करना है, पेपर सॉल्व करने. सपोज कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि उनका 30th अक्टूबर तक पढ़ाई ख़त्म नहीं हो रही है, फाइन, तो 30th नवंबर तक ले लो आप. तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने, 90 डेज आपको मिल रहे हैं, थोड़ी जल्दी हो जाएगी, लेकिन हो सकता है उसमें भी, ठीक है. सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग द टाइम टेबल एंड नॉट. फिर देखिए, आपको अगर हिस्ट्री और अलजेब्रा वन करना है 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को, तो आपको करना ही है, कोई रीजन नहीं. मैं तो मेरे स्टूडेंट्स को जब होमवर्क देता हूं या फिर कभी बताता हूं उनको, तो मैं बोलता हूं, भैया अगर तुम कल मरने वाले हो, आज अगर घर जाके तुम रात को मरने वाले हो, तो भी पढ़ाई करके मरना और मुझे वो नोटबुक भेज देना, कंप्लीट की हुई नोटबुक भेज देना. ये मैं उनको बोलता हूं, अभी इससे बुरी बात तो कोई हो नहीं सकती. सो देयर इज नो एक्सक्यूज, क्योंकि एक बार आपको एक्सक्यूज, रीजंस देने की आदत लग गई, तो वो लग गई, फिर आप उसमें से कभी बाहर नहीं आओगे, आप सिर्फ प्रॉब्लम्स ही बताते जाओगे. लेकिन आपके पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अलजेब्रा से मैं शुरू करूँ, मैं पहले हिस्ट्री ख़त्म कर दूंगा, ये 2 दिन में ये मुझे 2 चैप्टर्स ख़त्म करने हैं बस, फिर पहले मैं हिस्ट्री करूँगा या फिर अलजेब्रा करूँगा, या दोनों आधा आधा करूँगा, थोड़ी देर अलजेब्रा करूँगा, थोड़ी देर हिस्ट्री करूँगा, फाइन. और एक चीज़ याद रखिए, टफ सब्जेक्ट्स एंड ईजी सब्जेक्ट ऐसे कुछ नहीं होते, ओके. आपका लाइकिंग्स और जो लाइक नहीं करते जो सब्जेक्ट, वो सब भूल जाइए. ऑल सब्जेक्ट्स आर सेम फॉर यू, ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि आपका रिवीजन भी उसी तरह से होता रहेगा. तो ये हो गया आपका टाइम टेबल, जो डेट के हिसाब से और चैप्टर्स के हिसाब से है. फिर ये सारे, जब आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे लेसन्स अब कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि अरे बहुत सारे दिन बाकी है, तो अब मैं क्या करूँ. अगर दिन बाकी है तो आफ्टर दैट डू रिविजन्स, रैंडम बुक्स कर लो, या फिर और एक्स्ट्रा पेपर्स सॉल्व कर लो. जितने ज़्यादा पेपर्स आप सॉल्व करोगे, उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, ये तो 100% श्योर है. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज अबाउट योर टाइम टेबल, योर रैंडम बुक एंड योर एग्जाम्स, एग्जाम पेपर सॉल्यूशंस. अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिए. I'll try to answer it. Thank you very much. Have a nice day and best of luck.